हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मज़ा गेम्स गेमिंग चैनल। दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है आर्म्ड हिस्ट पे। मैंने ये गेम जो प्ले स्टोर में देखा, मेरे को इसका रेटिंग अच्छा लगा, लगभग 4.3 के करीब आसपास इसका रेटिंग था। मेरे को ये गेम बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और फिर मैं खेलने लग गया। और फिर अभी आप देख सकते हो हमारे पास दो क्रेट्स आ चुके हैं। आप देखो बॉटम राइट कॉर्नर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा है 5 मिनट, तो हम लोग इसे 5 मिनट वेट करके खुलवा सकते हैं। मतलब कि हमको बस 5 मिनट वेट करना होगा। और यहाँ पे और एक 5 मिनट का है, तो ओपन नाउ करने के लिए हम लोग वॉच ऐड कर सकते हैं और ओपन नाउ करने के लिए एक जम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जम देना ठीक होगा, क्योंकि ये जो क्रेस्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे ओपन नाउ कर लेते हैं एक जेम्स देखे। तो एक जेम्स हमने दे दिया और एक क्रेस्ट बहुत ही भयानक तरीके से खुला। और आप देख सकते हैं अभी 6 कार्ड हमारे सामने है। तो पहला कार्ड में हमको 70, बाप रे बाप, अभी हमारे पास टोटल हो चुका है 191,337 डॉलर। ओके, तो अभी इसके बाद सेकंड में हमको राइफल मिला, या उसमें शायद कुछ अपग्रेड मिला, कुछ तो एक ऐसा कुछ एक मिला है मेरे को। हाँ, अब थर्ड में देखते हैं। अच्छा यार, मैं इस कार्ड में क्लिक किया तो भी वही खुला। मतलब कि मैं चाहे किसी भी कार्ड में क्लिक करूँ, वो सिक्वेंशियली ही खुलेगा। तो फिर यहाँ पे मेरे को ईस्टवुड 70 राइफल मिला है। इसके सामने आप देख सकते हैं कितना भयंकर जूम लगा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। AK-47 मिला भाई, ये मेरा ड्रीम गन है ऑफकोर्स, AK-47 बिशॉप 9। इसमें शायद मेरे को अपग्रेड मिला है पैस 12, इसमें भी मेरे को अपग्रेड मिला है। तो चलो, यहाँ पे कोई सीजन में कुछ वन दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे शायद, तो मे बी, अच्छा, ये जो है ये और एक क्रेट हमने सीजन 1 के तौर पे, शायद से ये सीजन 1 चल रहा होगा इसलिए हमको ये क्रेट मिल गया होगा। तो पता नहीं क्यों क्रेट मिला, मैं भी काफ़ी नया हूँ इस गेम में। तो फिर देखते हैं इसमें क्या क्या मिला हमको। अच्छा, वापस से पैसा मिला, अभी टोटल हम लोग का लगभग 198,000 के आसपास है। असॉल्ट R84 मिला, R T4 मिला, और ईस्टवुड में अपग्रेड मिल गया। चलो, मतलब सब में अपग्रेड ही दे रहा है, क्रेट में कुछ नया नहीं मिला हमको, बाकी सब में हमको अपग्रेड मिला और पैसा मिला। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ न्यू गिफ्ट बता रहा है यहाँ पर एक नया गिफ्ट है। ओके, हमको अभी 25 जेम्स हो चुके हैं, अभी हमको 10 जेम्स मिले हैं। तो अभी टोटल हमारा 25 जेम्स हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं स्टोर हाउस में 2 दिखा रहा है, तो साइड में जो ऊपर में जो नंबर दिखा रहा है ना 2, वो उससे लगता है कि उसमें हमको क्लिक करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर तो मेरे को कोई खास नज़र नहीं आ रहा। चलो, यहाँ पर 2 बंदूक में 1-1 दिखा रहा है, ये मेरा इक्विप्ड है, शायद से इसे अपग्रेड करना पड़ेगा 5,000 से। ओके, तो मैंने पैस 12 को अपग्रेड कर लिया है, वेपन लेवल 2 में आ चुका है। ओके, इसे भी अपग्रेड करना है 20,000 देखे। देखो, धीरे धीरे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ते जाता है, वैसे तुम्हारा अपग्रेड करने का कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। तो अभी हम लोग इसे अपग्रेड कर लिया, वेपन लेवल 3 हो चुका है। ओके, तो कस्टमाइज़ क्या हम अभी कर सकते हैं? तो हमको स्किन खरीदने के लिए क्रेट लगता है, अभी हमारे पास एनफ क्रेट नहीं है। तो अभी हम लोग कस्टमाइज़ में 4 है 4, लेकिन अभी हम लोग कस्टमाइज़ कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि अभी कस्टमाइज़ करने के लिए हमको क्रेट लगेगा। और हम लोग देख सकते हैं शॉप रीस्टॉक्ड। ओके, शॉप रिस्टॉक्ड का मीनिंग क्या है? ओके, स्पेशल ऑफर्स में 1 दिखा रहा है। ऑफर में जाकर देखते हैं, ऑफर में तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। डेली डील्स, ओके, तो डेली डील्स में तो अभी कुछ नया नहीं है। अनलॉक्स एंड रीजन 3, डायमंड्स में भी कुछ नया नहीं है, कैश में भी कुछ नया नहीं है। मैं कैश यहाँ पे डायमंड से परचेज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेरा जो नाम है ना, वो है जैकलिन। ओके, तो हम लोग अभी प्ले करते हैं, तो अभी स्टार्ट हिस्ट करते हैं। टोटल गेम में 3 प्लेयर होने वाले हैं इंक्लूडिंग मी, मेरे को छोड़ के 2 प्लेयर। बहुत बार ऐसा होता है एक प्लेयर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब यार बहुत ही गंदा लगता है कि भाई, मतलब टीम वर्क जो था, मतलब उसमें थोड़ा सा गंदा लगता है। और आप देख सकते हो उसके हाथ में इतना बड़ा राइफल है और मेरे हाथ में इतना छोटा सा एक बंदूक है। मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा, मतलब कितना, मतलब अजीब सा लग रहा है। पर उसका फेस मेरे से काफ़ी बदतर है, मतलब कि मेरा फेस उससे काफ़ी अच्छा है। जो जोकर वाला फेस है ना, उसको देख के काफ़ी, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके मैं कर सकता हूँ कुछ। पर फिर भी मेरे पास पैस 12 है, जो कि लगभग इसके समान ही है। मतलब 1-2 बार मारने से ही पुलिस एकदम मर जाता है। तो चलो, फाइनली हमारा थर्ड दोस्त आ चुका है। तो यहाँ पे टिप दिया, मेक श्योर टू कलेक्ट द कैश व्हेन ड्रिल हैज फिनिश्ड ड्रिलिंग। ओके, तो ऊपर में टॉप लेफ्ट में जब हम लोग गेम खेलेंगे, तब एक ड्रिल जैसा कुछ एक दिखाएगा, प्रोग्रेस जैसा कुछ एक दिखाएगा, प्रोग्रेस बार एक कुछ एक दिखाएगा। उसमें हमको जब ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको कैश कलेक्ट करना है। तो कैश वो बैंक में रॉबरी करके वो हमको खोजना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 जन खड़े हैं, और चलो ये गेम शुरू हो चुका है और हमको अभी लड़ना है। चलो, यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल कार्स रखे हैं और सब आके डर गए, लगता है सब डर गए, सब भाग रहे हैं। चलो, 1-2 में चलो गोली चला के देखते हैं। भाई लगता है जो बैंक वाले हैं ना, वो लोग नहीं मरने वाले, बस पुलिस ही हमारे गोली से मरेंगे। ओके, तो इन सब के पास बड़ा बड़ा राइफल है, मैं थोड़ा सा अलग लग रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हूँ। मेरे पास एक UZI है। तो ओके, तो यहाँ पर शायद कुछ मिला है। ओके, उसने जो करना था उसने कर दिया है, अब और कुछ नहीं हो सकता है। और भाई वहाँ से और एक आदमी निकला, मैं देखा, और पुलिस कहाँ पर है? ओ माई गॉड, पुलिस आ चुकी है।
पुलिस आ चुकी है, बहुत ही खतरनाक पुलिस आ चुकी है। ये खतरनाक पुलिस नहीं है, खतरनाक पुलिस एक अलग ही ड्रेस पहन के आती है, उसे देखने से ही आप पहचान जाओगे कि वो अलग पुलिस है। ये नॉर्मल पुलिस है, इसको डिफीट करना उतना मुश्किल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है इसको डिफीट करना। मैं आप देख सकते हैं कैसे करके क्राउच्ड पोजीशन में हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ एक कंप्यूटर टेबल के साइड में, और वो पुलिस आ रहा है भाई भयानक, बहुत सारे पुलिस एक साथ में आ चुके हैं। पहले तो भाई हम एक दूसरे के पुलिस को मारते हैं, हम अपने पुलिस को कभी नहीं मारते, ये हमारा स्पेशलिटी है, मतलब कि हम अपने पुलिस को कभी नहीं मारते, पर जब ज़रूरत आता है तब हम सारे पुलिस को मार लेते हैं। तो यहाँ पर एक सेफ का एक डायरेक्शन कुछ एक दिखा रहा है, तो 5 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस में कुछ एक है, मे बी यहाँ पर कुछ हो सकता है। मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। ओके तो फिर लीव इट एज इट इज़। तो भाई ये किसको अटैक कर रहा है ये? अच्छा, पीछे से पुलिस आ गई थी, तो वो पीछे पुलिस को अटैक कर रहा था। चलो मैं इस रूम के अंदर घुस के देखता हूँ यहाँ पर कुछ स्पेशल वेशल है कि नहीं। यहाँ पे लगता है कोई पुलिस वुलिस मरा होगा, तो उसका जो पैसा है ना उसके जेब से पैसा निकल गया, पैसा निकल के गिर गया। और फिर भाई यहाँ पर भाई और एक पुलिस आ गया, लेकिन भाई ये छुपने के, मतलब कैसा पागल पुलिस है, मतलब मेरे सामने छुप रहा है, मतलब कैसा पागल पुलिस है ये। ओके तो फिर ओ भाई साहब इसके पास शील्ड है, ये जो पुलिस है ना इसके पास शील्ड है, तो इसे मारना इतना इजी नहीं होगा, बल्कि मेरा ये जो जीवन है वो कमता जा रहा है। मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ पर छुपना होगा। भाई छुप जा, भाई छुप क्यों नहीं रहा है? अच्छा, छुप गया। ओ माय गॉड, एकदम मतलब टाइम पे मैंने शॉट मारा, और टाइम पे शॉट मारने की वजह से हम लोग बच गए। यहाँ पर और एक है, मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मर गया, और ये मेरा दोस्त है 8 मीटर के डिस्टेंस में। यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दिखा था, और इसी स्पेशल पुलिस की बात कर रहा था। इसे मारने के लिए हमको लेना होगा PAS-12, और हमारे पास अभी आ चुका है PAS-12, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे पहले मार दिया, और मैंने देखो उसे +100 किल किया है। देखो ऊपर में आपको सब कुछ दिखाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। भाई एक बार में, मतलब भाई एक बार में मैंने उसे मारा। ये जो PAS-12 है ना, इसका पावर ही कुछ ऐसा है। मैं पहले भी कुछ एक ऐसा गेम खेलता था जिसमें हमको PAS-12 दिया जाता था, और उसका पावर ऐसा है एक बार में कुछ बहुत सारे गोली छोड़ता है। नॉर्मल गन एक ही गोली छोड़ता है, लेकिन ये जो गन ये एक बार में ढेर सारा गोली छोड़ता है, और इसके वजह से चाहे आपका दुश्मन कितना भी मतलब ताकतवर क्यों ना हो, वो तो भाई उसका सीना फट जाता है, उसे लग ही जाता है, वो एकदम मर ही जाता है। ओके तो फिर मतलब ये कितना साहसी है यार, देखो मेरे सामने आते ही जा रहा है, पर मेरा भी जीवन कुछ बहुत बाकी नहीं है, मेरे को भी जल्दी से जल्दी इसे रिलोड करना होगा, पर अभी शायद रिलोड नहीं होने वाला, अभी शायद मेरे पास टोटल बंदूक है। और वापस से कुछ सेफ जैसा दिखा रहा है, इन सारे पुलिस के बीच में से ही हमको जाना होगा, और हमको जाके कुछ काम करना होगा। ये कुछ एक सेफ जैसा कुछ एक था, यहाँ पर मेरे को CCTV कैमरा दिख रहा है, और जो चीज़ है मे भी यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं है, फर्स्ट एड है, यहाँ पर फर्स्ट एड रखा है, पर मेरा जो मेरे काम का चीज़ है मतलब कैश कहाँ पर है? यहाँ पर मेरे को कैश नहीं दिख रहा है, मतलब अरे यार ये एकदम सामने खड़ा है, ये एकदम सामने खड़ा है। भाई मार दूंगा मैं, सच्ची बता रहा हूँ, और अगर आपको पुलिस किसी तरफ से मारता है ना तो आपको वो दिखाता भी है। ओके भाई ये मर रहा नहीं है, इसको क्या हो गया? ओके तो मेरे को हाइड लेना होगा। ओके पर मैं चलो इस रूम के अंदर आ गया हूँ, और ये जो रूम है ना ये काफ़ी सुंदर रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा पेड़ जैसा कुछ एक लगा हुआ है। भाई मतलब क्या पुलिस है यार, मेरे को देख के भाग गया, और भाई ये मेरे को देख के अंदर ही आ रहा है। आउट ऑफ एमओ, अच्छा भाई रिलोड नहीं होगा तो भाई गन चेंज हो जा, रिलोड नहीं होगा तो गन चेंज हो जा। और भाई ये UGI से तो भाई और भी जल्दी मर गया मेरे को ऐसा लगता है। भाई जब भी आप उसके सीने के या हेड के पास मारो ना, या अपर बॉडी पार्ट में मारो ना, तो आप देखो जल्दी मरता है, लेकिन अगर पाँव के पास में मारो किसी भी पुलिस के तो वो जल्दी नहीं मरता है, या अगर उल्टा उल्टा शॉट लगाओ तो वो नहीं मरता है। अरे भाई मार दे भगवान, अरे भाई वो मतलब मेरे एकदम पीछे छुपा हुआ था, मतलब अपने आपको बहुत चालाक समझ रहा था वो, पर मैंने उसको मार दिया है, अभी आप देख सकते हैं। और भाई साहब मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, एक एक को मारूंगा मैं चुन चुन के, एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं। पर भाई हमारा जो मिशन है हमको उसे कंप्लीट करना है। ओके हमारा आई थिंक हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। जब तक मैं पुलिस को डिफेंड कर रहा था तब तक मेरे चोर भाई लोग, मतलब मेरे हाइस्ट भाई लोग मेरा काम पूरा कर दिया, मतलब कि ये असल में एक टीम वर्क है, और इस टीम वर्क में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरो टाइप का दिखा रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं पिंक कलर का कुछ एरो टाइप का दिखा रहा है, जहाँ पे आपको डिस्टेंस कमते हुए देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ अभी दिखा रहा था 20 मीटर का डिस्टेंस आई थिंक इस तरफ, या पता नहीं किस तरफ जाने बोल रहा है। ओके तो फिर अच्छा ये वाला कार है, तो हाइस्ट सक्सेसफुल, मतलब कि सक्सेसफुली हमने रॉबरी कर लिया। जब तक मैं पुलिस को डिफेंड कर रहा था या पुलिस को ऑफेंड कर रहा था, तब तक मेरे दो दोस्त लोग मिलकर रॉबरी कंप्लीट कर लिए। फिलहाल बहुत ही मज़ा आया, अगर खुद से रॉबरी कर सकते तो भाई और भी मज़ा आता, लेकिन भाई हमको बहुत ही मज़ा आया इस गेम में। और तीनों ही हम नो ऑर्गेनाइजेशन
इतने से हैं वापस से, इसके सिर के ऊपर मेरा सिर आ चुका है जो कि बहुत ही हौसम लग रहा है। अब देखो, अब ये परफेक्ट लग रहा होगा, लग रहा है ना, परफेक्ट लग रहा। फिर भी देखो इसका जोकर का फेस ज़्यादा अच्छा है। सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक द वीडियो।